नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर मुंबई मौसम को लेकर आई है। मुंबई के अंदर देर रात जमकर बारिश हुई है, कई नदी नाले उफान पर आ गए। एक बार फिर से मुंबई डूब गया है। मुंबई के अंदर ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। आपको मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भी पालघर, ठाणे, नासिक, नांदेड़, लातूर, उस्मानाबाद, अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलडाणा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वासिम और यवतमाल में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापुर और सतारा में ऑरेंज अलर्ट जारी है, यहां पर भारी बारिश होगी। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में इस समय ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। मुंबई के अंदर डबल अटैक शुरू हो गया है, यानी कि दोस्तों कुछ दिन पहले ही मुंबई के अंदर भारी से अत्यंत भीषण भारी बारिश दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से खेत खलियान पानी से लबालब भर गए थे और अब फिर से दोस्तों भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सड़कों पर बाढ़ जैसा सैलाब आ गया, जिसकी वजह से आवाजाही में काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। कई किलोमीटर लंबा लग गया है, कई अंडरपास को दोस्तों बंद भी करना पड़ा है। इस समय दोस्तों झमाझम बारिश हो रही है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मुंबई महाराष्ट्र के अंदर बेकाबू है। यहां पर दोस्तों 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मूसलाधार से अत्यंत भीषण मूसलाधार बारिश, जगह जगह दोस्तों भूस्खलन जैसी घटना भी देखने को मिल रही है। कई घर दोस्तों पानी में बह गए। वहीं दोस्तों गुजरात के अंदर भी भारी बारिश हो रही है। गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश का प्रकोप शुरू हो रहा है। साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों में दोस्तों मानसून एक्टिव है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, पश्चिम बंगाल के अंदर भारी भयंकर बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर है, ये नज़ारा आप देख सकते हैं। आप सभी से विनती है कि भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले, नदी नालों के पास ना जाएं, अंडर पास के नीचे अगर पानी भरा है तो आप उसमें गाड़ी बिल्कुल भी ना उतारें। अलर्ट रहें, सुरक्षित। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।